फ्रेंड्स, जल्द ही महिंद्रा इंडिया में अपनी पॉपुलर ऑफ रोड एसयूवी महिंद्रा XUV 500 का फेसलिफ्ट मॉडल इंडिया में लॉन्च कर सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महिंद्रा इस कार को अप्रैल 2021 तक अनवील कर देगी और उसके बाद जल्द ही ये कार इंडिया में लॉन्च होगी। नई महिंद्रा XUV 500 नए इंजन ऑप्शन, नए एक्सटीरियर, नए इंटीरियर और कई सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स के साथ इंडिया में लॉन्च होने वाली है। सबसे पहले बात करें इस कार के इंजन की, तो नई महिंद्रा XUV 500 में इसमें आपको 2.2 लीटर का MHawk डीजल इंजन ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। यही इंजन अभी हाल फिलहाल थार में मिलता है, जो कि 185 हॉर्स पावर की मैक्सिमम पावर जनरेट करता है। वहीं एडिशनली महिंद्रा इसमें पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी ऑफर कर सकती है। कार में आपको 2.0 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का ऑप्शन देखने को मिल सकता है। अभी हाल फिलहाल महिंद्रा XUV 500 सिर्फ डीजल इंजन के ऑप्शन में ही मिलती है, लेकिन इसमें आने वाले टाइम में पेट्रोल इंजन का ऑप्शन दिया जा सकता है। ये इंजन आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के ऑप्शन और ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के ऑप्शन के साथ देखने को मिलने वाले हैं। वहीं इसमें आपको टॉप एंड वेरिएंट में फोर व्हील ड्राइव सिस्टम का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा और कार की ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी को और ज्यादा बेटर बनाने के लिए इसमें आपको मल्टीपल ड्राइविंग मोड जैसे फीचर्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि इंजन के आउटपुट को और ज्यादा नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हैं। कार के इंटीरियर में इसमें कंपनी फीचर्स में भी कई सारे अपग्रेड करेगी और नई महिंद्रा XUV 500 आपको कई सारे बेस्ट इन सेगमेंट फीचर्स के साथ देखने को मिलेगी। नई XUV 500 के इंटीरियर में 10 इंच की टच स्क्रीन टच सिस्टम देखने को मिल जाएगी, जिसमें कई सारे कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के फीचर ऐड किए जाएंगे। कार के इंटीरियर में आपको मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा। इसके सीटिंग लेआउट को 5%, 6%, 7% और 9% के सीटिंग लेआउट में रखा जाएगा और कार के अंदर आपको अच्छा खासा खुला स्पेस देखने को मिलने वाला है। वहीं कार के इंटीरियर के फीचर्स के हाईलाइट में इसमें फ्रंट एंड रियर में चार्जिंग पोर्ट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप, कीलेस एंट्री, बॉटल एंड कप होल्डर, लार्ज डोर पॉकेट, ऑल सीट विद हेडरेस्ट, टॉप एंड वेरिएंट में सनरूफ का ऑप्शन, पावर विंडोज, एयर प्योरीफायर जैसे ढेरों कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर आपको नई XUV 500 में देखने को मिलने वाले हैं। वहीं नई महिंद्रा XUV 500 के एक्सटीरियर में भी कई सारे चेंजेस किए जाने वाले हैं और कार के एक्सटीरियर में आपको महिंद्रा की नई डिजाइन वाली फ्रंट ग्रिल देखने को मिलेगी। कार के फ्रंट एंड रियर में नए बम्पर के बाद नई स्किड प्लेट मिलने वाली है। वहीं कार के साइड में आपको नए आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स, भी टर्न इंडिकेटर्स और रियर में नए टेल लैंप के ऑप्शन इसमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं कार के टॉप एंड वेरिएंट में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी देखने को मिलने वाले हैं। 50 पॉइंट ऑफ व्यू से भी नई XUV 500 काफी अच्छी और कैपेबल कार होने वाली है और 50 के लिए इसमें आपको अच्छे खासे 50 फीचर्स मिलने वाले हैं। कार में 50 के लिए आपको इसमें हाई स्टैंड स्टील बॉडी मिलेगी। कार में ABS के साथ EBD, डुअल फ्रंट एयरबैग, टॉप एंड वेरिएंट में आपको मल्टीपल एयरबैग्स भी मिल जाएंगे। वहीं इसी के साथ कार में हिल होल्ड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम, ऑल डिस्क ब्रेक, रिवर्स पार्किंग कैमरा विद सेंसर, स्टीव इमरजेंसी ब्रेक, हिल स्टार्ट असिस्ट, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे ढेरों सेफ्टी फीचर इसमें आपको देखने को मिलने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल फ्रेंड्स महिंद्रा XUV 500 का फेसलिफ्ट मॉडल आना है और इसकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए आपको थोड़ा ज्यादा वेट करना पड़ सकता है। और अभी वीडियो में हमने आपको महिंद्रा XUV 500 फेसलिफ्ट के बारे में बताया है। इंडिया में लॉन्च होने के बाद नई महिंद्रा XUV 500 MG हेक्टर, टाटा सफारी, MG हेक्टर प्लस और हुंडई टुफॉन जैसी कार को टक्कर देगी और इंडिया में लॉन्च होने के बाद गाड़ी की शुरुआती एक्सशोरूम कीमत 14 से 22 लाख रुपए के बीच में होने वाली है। तो फ्रेंड्स, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आप भी महिंद्रा XUV 500 के फेवरेट मॉडल को खरीदना पसंद करेंगे या नहीं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एंड फॉर न्यू अपडेट ऑन ऑटोमोबाइल्स क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन।